नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी, BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु, जो इतिहास विषय की होगी। तो बात करने वाले हैं हम आज जो तुगलक वंश के दौरान जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत के तहत जो तुगलक वंश को हम पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश के दौरान हमने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया, जिनका शासनकाल 1320 से 25 ईस्वी रहता है। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक जिनके बारे में पढ़ेंगे, इनका शासनकाल की बात की जाए तो 1325 ईस्वी में इनका शासन शुरू होता है, जो 51 ईस्वी तक रहता है। 1325 से लेकर 51 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान रहते हैं, और इनके द्वारा क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में हमें जानेंगे। तो पहले बात करते हैं इनके राज्यारोहण की। तो राज्यारोहण की बात करते हैं, किस तरीके से इन्होंने जो अपना राज्यारोहण करवाया और दिल्ली के सिंहासन तख्त पर बैठते हैं। तो पीछे की क्लास में जो मैंने बताया था, आपको पता ही होगा, जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे, जो तुगलकाबाद है उसके पास में जो अफगानपुर गांव है, वहाँ पे जो लकड़ी के महल के नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका युवराज पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र होता है, जिसे उलुग खां भी कहा जाता है, जिसे जोना खां भी कहा जाता है, जिसका जोना खां नाम था और उलुग खां की उपाधि दी गई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर यह जो दिल्ली के सिंहासन तख्त पे बैठता है। तो जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद बिन तुगलक 40 दिनों तक तुगलकाबाद किले में ही रहता है, और दिल्ली में जो बलबन का लाल किला बनाया हुआ था उस किले की मरम्मत करवाता है, और 40 दिनों के पश्चात वह राजधानी में बड़े ही ठाट बाट से प्रवेश करता है और बड़े ही ठाट बाट से अपना राज्यारोहण करवाता है। 40 दिनों के पश्चात तुगलकाबाद किले में रहने के पश्चात और फिर दिल्ली में वह प्रवेश करता है, और इसके समय कहते हैं जब ये शासक बनता है, सुल्तान बनता है, उस समय सर्वाधिक जो सबसे अनुकूल परिस्थितियां की बात की जाए तो इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां रही थी शासक बनते समय। अमीर पूरे के पूरे, अधिकारी और जनता ने इसका भरपूर स्वागत किया और सारे के सारे इसके समर्थन में थे। और बात की जाए तो दिल्ली के सिंहासन की, तो इसके पिता ने जो अराजकता और अव्यवस्था की जो माहौल था उसे समाप्त कर दिया था, और राजकोष नकदी खूब इनके पास पैसा पड़ा था, तो सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासक बनने के समय देखने को मिलती है। और ये उपाधि इसके द्वारा जब ये तख्त पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता, तो मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण यहां की जाती है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर की, जो ये किरदार है, कहते हैं सर्वाधिक विवादित विद्वान और विरोधाभासी रहा है। इसको पढ़ने में बड़ा ही आनंद आएगा, जो कई तरह की इसके द्वारा योजनाएं बनाई जाती है और वो कई योजनाएं विफल हो जाती है। ये दुनिया से कुछ हटकर ही सोचने वाला सुल्तान था। अगर इसकी बात की जाए तो ये सर्वाधिक विद्वान था, और अरबी, फारसी, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तर्क शास्त्र आदि का ज्ञाता ये था, और सर्वाधिक महत्वाकांक्षी, योग्य और प्रतिभाशाली, और बहुमुखी प्रतिभा का यहाँ धनी था, सर्वाधिक जो योग्य सुल्तान इसको माना। लेकिन एल्फिंस्टन नाम के एक जो इतिहासकार रहे, उन्होंने इसको कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था। इसके बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, कुछ इतिहासकार इसके बारे में कुछ कहते हैं, कई बातें कहते हैं। तो इसके समय की बात की जाए तो इस मोहम्मद बिन तुगलक के जो काल के शासनकाल की चार पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है। अगर उन चार पुस्तकों का यह जिक्र करना जरूरी है, ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, कहीं भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात की जाए तो रेला नाम की पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम विस्तार से बताएंगे आपको, इब्न बतूता कौन था। तारीख़ ए फिरोज़शाही,
इसके लेखक की बात करें तो बर्नी जियाउद्दीन बर्नी है इसका लेखक रहता है और इसका दरबारी होता है ये मोहम्मद बिन तुगलक का। फतवे उस सलातिन उसी समय एक लेखक इसामी जो इसामी के द्वारा ये बात लिखी जाती है और मसालिक उल अबसार जो इसके लेखक है अब्बास और अरबी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई और सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी इस पुस्तक से हमें मिलती है। तो ये चार पुस्तकें जिनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल की जानकारियां हमें मिलती है। अब बात करते हैं राजमुंद्री अभिलेख। राजमुंद्री अभिलेख है जो तेलुगु भाषा में मिला है और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में मिला है, जिस पे जो जोना खां है जो यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बारे में कहा गया है कि ये दुनिया का ही खान है, ये दुनिया का खान इसे कि बताया गया है। चालुक्य शासकों का एक अभिलेख है, इसमें इसे दुनिया का खान बताया गया है। ये आपसे प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देखें तो पूछ लिया जाए दुनिया का खान कौन से अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है, तो इसका आंसर होगा राजमुंद्री अभिलेख में दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। तो अब बात करें सर जो इसकी जो मैंने सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ रही है और ये बड़े ही ठाट बाट से राज जो सिंहासन पर बैठता है पूरा भारत जो इसकी अधीनता में रहता है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में कई जगह इसका साम्राज्य विस्तार होता है और कई क्षेत्रों पे इसका अधिकार रहता है। और हालांकि अंत में काफ़ी असफलताओं का मुंह इसे देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो दक्षिण अफ्रीका का जो मोरक्को देश है, दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ का जो मोरक्को है वहाँ से ये आता है, अफ्रीकी देश मोरक्को सॉरी, तो वहाँ से ये आता है, मोरक्को का निवासी था और भारत की यात्रा पे आता है। और इब्न बतूता को जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया जाता है, दिल्ली का काजी बना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब इनके विचारों में मतभेद हो जाता है तो इब्न बतूता को जेल में भी इसके द्वारा डाल दिया जाता है। और एक बात की जाए इब्न बतूता ने जो अपनी पुस्तक रेला लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो इसने विवरण किया था और ये पुस्तक उसने अफ्रीका जाने के पश्चात लिखी तो इसको ज़्यादा प्रमाणित यहाँ माना जाता है। और इब्न बतूता ने जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य में 23 प्रांत बताए थे, इस राज्य के जो दिल्ली सल्तनत के 23 प्रांतों का जिक्र इसके द्वारा यहाँ किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 23 प्रांतों का जिक्र किसके द्वारा किया गया तो ये इब्न बतूता के द्वारा अपनी पुस्तक रेहला में किया गया। और तिगन तैमूर जो एक चीनी शासक था उसके दरबार में सर्वाधिक सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत इसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के उसके दरबार में भेजा था। अब जो जियाउद्दीन बर्नी है अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में इसकी जो पांच असफल योजनाओं के बारे में उल्लेख करता है उसके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। अगर इसका बाद पांच असफल योजना बाद जो दोआब क्षेत्र होता है उसमें इसके द्वारा कर बढ़ा दिया जाता है, रेवेन्यू जो राजस्व एकत्रित करने के लिए कर बढ़ा दिया जाता है वो अंत में असफल हो जाती है और इसको अपनी योजना को पुनः वापस लेना पड़ता है। और उसके अलावा इसके द्वारा जो है जो देवगिरी महाराष्ट्र का क्षेत्र वहाँ दिल्ली से राजधानी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या राजधानी बदल दी जाती है वो भी असफल रहती है। और इसके द्वारा सबसे रोचक बात मैं आपको बताऊं वर्तमान समय में जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री उनके द्वारा जिस तरीके से मुद्रा परिवर्तित की गई थी पूरी मुद्रा चेंज उसी तरह इसके द्वारा भी एक प्रयोग किया गया था जिसमें मुद्रा को परिवर्तित किया इसके द्वारा और चांदी और सोने की मुद्रा को रखाकर उसी के बराबर के मूल्य में तांबे और पीतल की मुद्रा इसके द्वारा जारी की गई थी। और उसके द्वारा खुरासान का अभियान किया गया वो भी असफल रहता है, चीन का अभियान किया गया। तो ये जो इसकी असफलता है ये सर्वाधिक योग्य प्रतिभाशाली होते हुए भी अंत में कई जगह असफल रहता है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक है जो दिल्ली के तख्त पर सिंहासन पर बैठता है और दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठने के पश्चात कई जो इसके द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रयोग इसके द्वारा किए जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। और बात की जाए तो ये सर्वाधिक जो बुद्धिमान शासक बताते हैं इसको सर्वाधिक विद्वान विवादित और विरोधाभास भी माना जाता है। इसके द्वारा कई कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिनको लेकर आज तक है जो इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है कि वो उस समय इसके द्वारा लिए गए निर्णय सही थे या गलत थे,
किन परिस्थितियों में इसके द्वारा लिए गए, और एक यूरोपीय इतिहासकार के द्वारा एल्फिंस्टन के द्वारा तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश था। और आगे की क्लास में हम जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको शॉर्ट रूप से भी प्रदर्शित करेंगे, MBT जिसको हम कहेंगे, तो इसका मतलब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और ये गियासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था जिसका नाम उल्लू खां जोना खां भी था, और ये जो मोहम्मद तुगलक शाह के नाम से उपाधि धारण करते हुए दिल्ली के तख्त पर बैठता, और इसके द्वारा 1325 ईस्वी से लेकर 51 ईस्वी तक शासन किया जाता है। अगर तुगलक वंश की बात की जाए तो मैंने आपको जो क्रम लिखा रखा है उसमें मुख्यतः जो महत्वपूर्ण जो शासक है उनमें जो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को ही पढ़ा जाता है। अब जो इन पुस्तकों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और सही तरीके से जो भी आपको अच्छी जो इसमें से लगे वो बातें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, ताकि अगर आप जो ही जो कॉलेजें खुलती है नियमित रूप से उसके पश्चात अगर कोई विद्यार्थी अपने नोट डाउन किए हुए नोट्स जो मुझे बताएगा तो मैं उसके लिए और भी अत्यधिक नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन आप मेहनत करो ताकि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और राजमुंद्री अभिलेख के बारे में जाना, और इसके पश्चात जो इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी आता है अफ्रीकी देश का उसके बारे में हमने जाना। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, और इसके द्वारा जो बर्नी ने जो 5 योजनाएं बताई गई है उसके उनका और इसके साम्राज्य विस्तार द्वारा कौन कौन से सैनिक अभियान किए जाते हैं, कौन कौन सी योजनाएं इसके द्वारा लाई जाती है, उनको हम निश्चित रूप से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो तो, या किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और अपना जो प्लेटफॉर्म है शैक्षणिक ग्रुप व्हाट्सएप बन रखा है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।